क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स पार्ट के गति चैप्टर के बारे में आपको समझाएंगे। ये चैप्टर हम पूर्व में भी समझा चुके हैं, लेकिन उसमें एक टॉपिक था गति के समीकरण, ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन ने गति के तीन समीकरण दिए, इन समीकरण को गणितीय समीकरण भी कहा जाता है। तो गणितीय समीकरण में प्रथम न्यूटन का प्रथम गणितीय समीकरण जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम त्रण के फॉर्मूले के प्रयोग के आधार पर प्रूफ करेंगे। इसमें यह हमें मानना पड़ेगा कि किसी गतिशील वस्तु का यदि प्रारंभिक वेग u जो एक समान त्वरण a से चलती हुई t समय में अंतिम वेग v प्राप्त करते हो, तो त्वरण के फॉर्मूले से आपने जुलाई में उसमें मार्च में और अप्रैल में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इस त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ए बराबर वेग परिवर्तन का मतलब होता है कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटा देंगे तो वेग परिवर्तन आ जाएगा। इसे हम डेल वी से प्रदर्शित करते हैं और समय अंतराल को डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका दूसरा रूप होता है कि यदि अंतिम वेग इसमें वी है तो वी माइनस प्रारंभिक वेग यू है, यू अपॉन समय का अंतराल क्या है टी, तो ये टी। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपॉन वन वन के, तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू। हम इस u को यहाँ ट्रांसफर कर दें तो u इक्वल u प्लस ए टी इक्वल टू v, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण बनके तैयार हो गया।